Good morning, class 3rd. How are you? So, this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. So, this is your revision class of Hindi literature, okay? As tomorrow is your Hindi literature unit test. So, open your book and come to page number 109. So, आपके कल के यूनिट टेस्ट में क्या आएगा सिर्फ हिंदी लिटरेचर ही आएगी ओके okay? लैंग्वेज नहीं आएगी सो टूडे वील रिवाइज दिस चैप्टर अगेन प्लीज लिसन केयरफुली कर्म का फल किसी जंगल में एक कौन रहता था गीदड़ रहता था सबको ध्यान से सुनना है क्योंकि चैप्टर के बीच से वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स भी मैं दे सकती हूँ ओके okay? वह बहुत धूर्त था धूर्त मतलब कैसा होता है चालाक था ठीक है वह स्वयं को बहुत चतुर समझकर दूसरों का उपहास करता था वह गीदड़ मतलब खुद को क्या समझता था बहुत होशियार समझता था चालाक समझता था और क्या करता था दूसरों का क्या करता था मजाक उड़ाता था इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं मैं बहुत चतुर हूं ये कौन बोलता है गीदड़ बोलता है कि इस जंगल के जीव जो हैं जीव मतलब जानवर वो सब कैसे हैं बहुत सीधे हैं मैं बहुत तेज हूं ठीक है फिर गीदड़ दोबारा से बोलता है ऊंट को देखकर यह जा यह जीव बहुत अद्भुत है इसकी गर्दन मुंह पैर बड़ा है पूंछ कान और आंखें छोटी हैं मैं इसका क्या करूंगा मजाक उड़ाऊंगा ठीक है ऊंट के पास जाकर गीदड़ क्या बोलता है फिर मामा सब कुछ ठीक तो है ना आप सूखी घास क्यों चर रहे हैं जब वो घास खा रहा होता है ऊँट तो गीदड़ उसके पास जाके ये पूछता है ठीक है तो ऊंट क्या जवाब देता है भांजे कहाँ कुशल है मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है मैं भूखा रहता हूं क्या करूँ क्या बोलता है ऊँट कि भांजे कहाँ कुशल है मतलब कि कहाँ ठीक है मेरा स्वामी मतलब कि जो मेरा मालिक है वो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं देता है मैं भूखा रहता हूँ क्या करूं इसलिए वो क्या कर रहा था घास खा रहा था ठीक है गीदड़ ने सोचा कि यह बहुत मूर्ख है यहाँ मेरी तरह चतुर नहीं है ठीक है फिर क्या बोलता है गीदड़ उसे ऊँट को मामा चिंता मत कीजिए आइए नदी की दूसरी तरफ टमाटर खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं वहां आनंद से खाया जाएगा ठीक है वो उसे लालच दे देता है कि आइए नदी की दूसरी तरफ टमाटर खरबूजा और खीरे लगे हैं बहुत सारे खेतों में तो वहां चल के हम आराम से मजे से खाएंगे ठीक है ऊँट प्रसन्न होकर यानी कि ऊँट खुश होकर गीदड़ के साथ क्या करता है चल देता है नदी के पास जाकर गीदड़ उसे बोलता है नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा ठीक है मतलब कि आपकी पीठ पर मुझे चढ़ना पड़ेगा क्योंकि गीदड़ क्या था छोटा था तो वो डूब जाता अगर वो उसके ऊपर सवार होके ना जाता इसलिए गीदड़ क्या करता है ऊँट के ऊपर चढ़ जाता है ठीक है गीदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया रात भर दोनों वहीं रहे जब सुबह हुई तो गीदड़ ने कहा मामा इस समय कृषक यहाँ नहीं है कृषक मतलब किसान क्या बोलता है वो मामा इस समय किसान यहाँ पर नहीं है उसका घर भी क्या है बहुत दूर है अब बिना चिंता के ककड़ी टमाटर और खरबूजा खाया जाए क्या बोलता है वो अब बिना चिंता करें हम क्या खा सकते हैं ककड़ी टमाटर और खरबूजा अब वो क्या करते हैं दोनों खाने लग जाते हैं ऊंट ने प्रसन्न होकर खाना शुरू किया उसका पेट बड़ा था परंतु गीदड़ का पेट छोटा था ऊंट आराम से खा रहा था ठीक है खुश होकर लेकिन ऊंट का पेट अभी भरा नहीं था ठीक है क्योंकि ऊंट का पेट क्या था बहुत बड़ा था लेकिन गीदड़ का पेट जल्दी भर गया था क्योंकि उसका पेट कैसा था छोटा था उसकी भूख शीघ्र ही शांत हो गई उसकी किसकी की ठीक है शीघ्र मतलब जल्दी ही शांत हो गई वह बोला अब मेरा पेट भर गया है मैं तेज आवाज में गीत गाऊंगा ठीक है अब वो उसे परेशान करने के लिए ऊंट को परेशान करने के लिए क्या करता है तेज आवाज में गीत गाने लग जाता है ऊंट बोलता भी है उसे कि ऐसा करना ठीक नहीं है अभी आवाज मत करो गीदड़ ऊंची आवाज में गाना गाने लगा ठीक है उसकी आवाज़ सुनकर कौन आ गया किसान आ गया ठीक है उसे आता हुआ देखकर गीदड़ भाग गया वहां से एकदम खेत के बीच में ऊंट को देखकर किसान ने उसे क्या करा बहुत पीटा ठीक है दुष्ट गीदड़ की धूलता के कारण मुझे मार खानी पड़ रही है कौन बोलता है ये ऊंट बोलता है ठीक है किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊंट नदी के पास वापस आया गीदड़ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा मामा खरबूजा टमाटर और ककड़ी खाना सरल नहीं है डंडे का स्वाद मीठा था या कड़वा अब वो उसका क्या कर रहा होता है मजाक उड़ा रहा होता है भांजे अब इस प्रश्न से कोई लाभ नहीं है चलो नदी पार करें वापस जाने के लिए उसे क्या बोलता है ऊँट से कोई फायदा नहीं है चलो नदी पार कर लेते हैं मतलब वापस चलते हैं ठीक है गीदड़ ऊँट की पीठ पर पुनः सवार हो गया गीदड़ फिर से ऊँट की पीठ पर सवार हो गया ऊँट जब गीदड़ को नदी के बीच लेकर पहुंचा तो बोला भांजे अब मेरी आदत सुनो भोजन के बाद मैं स्नान करता हूं तुम भगवान को याद करो ऊँट ने क्या बोला कि भांजे अब मेरी आदत सुनो मेरी एक आदत है मैं खाना खाने के बाद क्या करता हूँ नहाता हूँ तुम क्या करो भगवान को याद करो अब गीदड़ फंस गया गीदड़ ने क्या बोला मामा अभी स्नान मत कीजिए यहाँ बहुत पानी है मैं मर जाऊँगा लेकिन ऊँट ने भी क्या किया उसकी बात नहीं मानी ठीक है वह पानी में बैठ गया उसकी पीठ पर सवार धूत गीदड़ पानी में क्या हो गया डूब गया और उसकी क्या हो गई मृत्यु हो गई ऑल राइट सो चिल्ड्रन आई होप आप लोगों को अभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में से कोई भी वन वर्ड क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं अब तो आपको इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज मैंने करवाई है नोटबुक में या बुक में वो सभी आपको क्या करनी है लर्न करनी है ओके okay? चाहे वो टेक्स्चुअल ग्रामर हो या फिर वो वोकेबलरी हो सब आपको लर्न करना है ओके okay? जो भी मैंने आपको कराया है ओके क्लास सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय चिल्ड्रन टेक केयर